व्हाट्सएप के ऊपर एक ऑप्शन आती है, उसका नाम है स्टेटस। स्टेटस समझते हैं, अंग्रेजी में शब्द है, एक स्टेटस लफ्ज है, और अगर उसका उर्दू तर्जुमा करें तो उसका पता लगता है औकात, हैसियत। स्टेटस का अगर देसी जुबान में तर्जुमा करें ना, कहते तेरी क्या औकात है, मतलब तुम्हारा क्या स्टेटस है। अब कोई नाचने वालियों की तस्वीरें लगा रहा है, कोई गंदे गाने लगा रहा है, यानी आप दूसरे को बता रहे हैं हमारा स्टेटस तो ये है, देख लो। आप क्या समझते हैं कि वो सिर्फ स्टेटस इसलिए उसने बना दिया कि बस आप उसमें जो मर्जी चढ़ा दें, वो इसलिए बनाया ताकि दूसरा बंदा उसको देख के ये अंदाजा लगा सके कि आप कैसे हैं। वो स्टेटस की ऑप्शन इसलिए मोबाइल वाले ने बनाई है ताकि जिन लोगों के पास आपका नंबर है वो ये समझ सके इस बात को कि भाई ये बंदा कैसा है, ये ईमानदार है, दीनदार है, बेईमान है, गुंडा है, अय्याश है, रियाकार है, कैसा है ये बंदा, हम बताते हैं उसको। फिर जो दयानतदार है, ईमानदार है, वो अल्लाह और रसूल की बातें लगाएंगे। जिनको ज्यादा फिल्में देखने का शौक है वो अपनी फिल्में लगाएंगे, जिनको फाहिशा औरतें दिखाने का शौक है वो गंदी चीजें लगाएंगे, तो बताते हैं कि ये हमारी औकात है। जनाब आप क्या समझ रहे हैं कि शरीयत ने ये तय नहीं किया? शरीयत ने कहा कि मुसलमान को अपनी हैसियत पाकीजा रखनी होगी, शरीयत ने कहा मुसलमान को अपना स्टेटस पाक रखना होगा। शरीयत ने कब कहा कि शरीयत ने कह दिया कि आप जो मर्जी स्टेटस लगा लें? नहीं, बल्कि हुक्म दिया गया शरीयत में कि मुसलमान का मियार, मुसलमान की हैसियत इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए।